हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेपाल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेपाल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर पेमेंट रिसीव करने के लिए, और ज़्यादातर पेपाल या पियोनियर की ज़रूरत ही पड़ती है। तो फिलहाल मैं आपको पेपाल का अकाउंट बना के बता रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से पियोनियर या पेपाल का अकाउंट गलत बना लेते हैं तो उनका पेमेंट फंस जाता है, तो दिक्कत होती है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बनाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पेपाल। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे पेपाल अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट, रिसीव बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लोग इंडिविजुअल अकाउंट चूज करते हैं तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि लेकिन देखिए इंडिविजुअल अकाउंट में आप लोग आपसे पेमेंट भेज सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि बिजनेस अकाउंट में आप रिसीव भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट बनाओगे तभी आप अदर वेबसाइट से पेमेंट रिसीव कर पाओगे, इंडिविजुअल में रिसीव नहीं कर सकते पेमेंट। तो आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी जिस मेल से जिस एड्रेस से आपको पेपाल अकाउंट बनाना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हो तो उसी ईमेल से बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी अपना पर्सनल मेल से बना सकते हो पेपाल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ तो आपको ऐसे बताने के लिए, जैसे मैं डालता हूँ अमित कुमार 123@ द रेट, ऐसा कुछ आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा तो वो आपको फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका अपना पासवर्ड चूज करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आप अपना पासवर्ड देना चाहें वो चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी पासवर्ड बनाया करो तो इस तरीके से बनाया करो कि एक अक्षर उसमें कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक नंबर, एक सिंबल। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं QWE@ द रेट 123, अभी देखिए इस पासवर्ड में क्या है, देखिए ये 8 नंबर पर नहीं है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए पहले सीक्वेंस नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा या 2023 हो जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड देखिए, यहाँ पर एक कैपिटल है, स्मॉल भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2023 कर सकते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ये नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप कोई भी अपना पासवर्ड चूज कीजिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड डालना है, तो प्रोडक्ट सर्विस कीवर्ड मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ पर या ट्रांसलेशन या कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर या अदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला डायरेक्ट मार्केटिंग अदर डायरेक्ट मार्केटर्स, इस पर लगा सकते हैं आप क्लिक। ठीक है, इस पर लगाने के बाद आपको पर्पस कोड में डाल जाना है, पर्पस कोड में भी आपको अदर पे जाना है, तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर इसमें ये वाला चूज कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग चार्जेस डाटाबेस का। ठीक है, तो ये चूज करेंगे, या फिर अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज इस वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे, P0806 पे। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो आपका पैन कार्ड होगा तो वो पैन नंबर डालना है, और सीसी स्टेटमेंट नेम, यहाँ पर कोई भी अपना ईमेल डाल देना जिस नाम से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो वही डाल देना आपको अपना। ठीक है, और बाकी वेबसाइट नेम ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है, तो फर्स्ट नेम डालेंगे अपना, लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम हो तो चलेगा, नहीं हो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना, ये इंडियन सिलेक्टेड है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, सितंबर 2023।
2004। इसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया बाकी सब। यहाँ पर अगर कुछ करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं ये सब। एक सेकंड, 26। हाँ ओके। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट सिटी टाउन में करना है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ही फिल कर रहा हूँ। और एड्रेस लाइन वन में विलेज या मेन एड्रेस। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है जो एक्टिव हो, ठीक है। तो फ़ोन नंबर देता हूँ मैं। कोई ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी करेंसी यूएस डॉलर रहने दीजिए और इस पर टिक भी रहने दीजिए। और यहाँ पर सीधा आप करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक। थोड़ा टाइम ले सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे आ गए आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यू आर नॉट सेलिंग येट, या आधार पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे टेक अ पेमेंट्स ऑन योर वेबसाइट सेंड इनवॉइस, ठीक है। पहले वाले पे क्लिक करेंगे, बाय ना सिंगल ट्रांजेक्शन प्रीवियस सॉल्यूशन लेयर यू, इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका लगभग अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर गो टू ऐप सेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट बनके रेडी हो गया है। होम पे जाइए, ये आपका अकाउंट रेडी है। अभी आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए आप प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है बिजनेस अकाउंट, तो यही आप हम लोगों को चाहिए था बिजनेस अकाउंट, तो बन चुका है। देखिए यहाँ पे आप मनी बैंक एंड कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक ये बैंक अकाउंट ऐड करने का और दूसरा आएगा डेबिट कार्ड ऐड करने का। तो आप डेबिट कार्ड ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम डिटेल फिल करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर चूज़ करना है, फिल करना है। यहाँ पर कार्ड टाइप चूज़ करना है, वीजा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस या ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, देन सबसे लास्ट में सिक्योरिटी कोड। ये सिक्योरिटी कोड सीवीवी कोड ही होता है जो आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है, लास्ट के 3 नंबर लिखा होता है वो है। बाकी ये बिलिंग एड्रेस ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। और ये फिल करने के बाद आपको लिंक कार्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं कार्ड को लिंक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये जिसका मैं बना रहा हूँ ये अकाउंट, उसके पास ये वाले कार्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं बैंक अकाउंट ही ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिंक का न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है, जिस बैंक में जो भी बैंक आप लिंक करना चाहते हो तो वो उसका आईएफएससी कोड डालना है। तो कैपिटल में डालेंगे, ये आईएफएससी कोड फिल हुआ। यहाँ पर डालेंगे आप अपना अकाउंट नंबर, ओके। ये चीजें फिल करने के बाद आप साइड में जाएंगे बैंक नेम एंड लोकेशन। तो बैंक नेम लोकेशन में आपको अपना बैंक नेम, बैंक का नेम चूज करना है तो वो फिल करना है। जैसे मैं फिल करता हूँ,
बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेंगे। इसके बाद अपना स्टेट चूज करना है, तो उत्तर प्रदेश, टाउन सिटी टाउन, यहाँ पर अपना टाउन फिल कर दिया और यहाँ पर सिटी बैंक लोकेशन, तो लोकेशन डाल दी। यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली डला है क्योंकि हमने पिछले वाले स्टेप में डाला था आईएफएससी कोड वाले सेक्शन में। तो ये सब हो जाने के बाद आपको लिंक योर बैंक पर क्लिक करना है। लिंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1.5 रुपए से कम का अमाउंट, आपके दो ट्रांजेक्शन आएंगे, दो अमाउंट आएंगे आपके बैंक में, तो 1.5 रुपए से कम के होंगे। तो जितना भी अमाउंट हो वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें कितना है टाइम लगेगा, 3 से 5 दिन लग सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अनवेरीफाइड लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट फिल करना है आप लोगों को। तो जब वो फिल हो जाएगा तब उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए कंफर्म बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे भी आपको अकाउंट में मिल जाएगा पैसा, तो कंफर्म बैंक, यहाँ पर वो अमाउंट डाल रहे हैं। फर्स्ट वाले में फर्स्ट अमाउंट डालेंगे जो पहले आपको मिला है बैंक में, और सेकंड वाले में सेकंड डालेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है 1 रुपए से कम है, तो मान लो आपको 1 रुपया 32 पैसे मिला हो या जो भी मिला हो, 1 रुपए 8 पैसे, जो भी आपको अमाउंट मिला हो, दो अमाउंट, तो वो यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपका यहाँ पर होम स्क्रीन पर यहाँ पर आपका वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। जैसे अभी मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जब आ जाएगा तो वो सब फिल कर दूंगा एडिट पर क्लिक करके, तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट रेडी है किसी भी वेबसाइट से लिंक करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सही है। एंड आपको अगर एक और मेल ऐड करना है, जीमेल अपडेट करना है, तो यहाँ पे आके अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन पे आके आप ईमेल अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक और मेल ऐड कर सकते हो, तो मतलब आप दोनों मेल से ही लॉगिन कर पाओगे, लेकिन आपकी प्राइमरी मेल अलग रहेगी। जो भी आप प्राइमरी मेल बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, मतलब ईमेल वगैरह उसी पे आएंगे। लॉगिन आप दोनों से कर सकते हो या दोनों मेल का यूज कर सकते हो, जितने भी दो तीन मेल ऐड कर सकते हो आप, तो ऐसा कर सकते हो। तो अभी ये फिलहाल ये अकाउंट बनाना कंप्लीट हुआ, तो थैंक यू।